सबसे पहले तो हारे के सहारा की पूरी टीम को, साथ में चीफ एडिटर, संपादक, प्रकाशक हरीश तोमर जी, आपको भी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, आने वाले सभी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैं अमर सिंह पूरे देशवासियों को आने वाले इन महान पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथ ही जो आज का ये दौर चल रहा है, वो चाहे किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, जैसे आने वाला दीपावली है, लोग जितना हर्षोल्लास से पहले मनाया करते थे, आज कहीं न कहीं से प्रतिबंधित दिखते हैं। कहीं कानून आड़े आ जाता है और कहीं व्यवस्था आड़े आ जाती है, और ये दोनों पार्ट, व्यवस्था और कानून, ये दोनों पार्ट सरकार से संबंधित होते हैं। सरकार इसको बेहतर कर सकती है और सरकार ही इसको प्रतिबंधित करती है। जब किसी सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का परिणाम लोगों को बेहतर ना मिले, इसका मतलब है वो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सफल नहीं रहा। और जो लोग सफल नहीं रहते हैं, उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि असफल है। और जब एक मुख्य व्यक्ति असफल होगा, जो सार्वजनिक स्थान पर बैठा है, तो उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। आज इसी ही प्रकार की कुछ हालत देश में चल रही है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, व्यवसाय के माध्यम से हो, अपने कार्य धंधों के माध्यम से हो, लोग, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था की यदि बात करें, तो कानून व्यवस्था भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहते थे लोग, लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल नगण्य हो चुका है। सरेआम लोगों को गोली लग जाती है, दिन दहाड़े लोगों के घरों में डकैती डाल दी जाती है, घूमते हुए पार्क में व्यक्ति को गुंडे दबोच लेते हैं, चाकू मार देते हैं। इस प्रकार की स्थिति जो बनी हुई है, इसके लिए सत्ता में बैठे लोग सीधा सीधा उनके दायित्व पर उंगली उठती है। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब जवाबदेही नहीं होगी, तो यही सब होगा। तो कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर कि ये है कि सरकार जिसकी भी हो, जो भी हो, जवाबदेह होना चाहिए। शासन हो, प्रशासन हो, जवाबदेह होना चाहिए। और यदि जो जवाब नहीं दे पाता है, इसका मतलब ये है कि उसके पास जवाब है ही नहीं। और जिसके पास जवाब नहीं है, वो किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता। यही सब देखते हुए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर का निर्माण किया गया है, जो पूरे भारत के आज लगभग 8-9 प्रदेशों में अपनी संख्या के माध्यम से मजबूती को लेकर के चल रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, गुजरात और राजस्थान, दिल्ली, ये प्रमुख राज्य हैं जहां राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ता पदाधिकारी सम्मिलित हो चुके हैं। हम देशवासियों से आज इस शुभ अवसर पर आग्रह भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आइए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के साथ जुड़िए, ताकि जो भी कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ने एक अपना एजेंडा तैयार किया है कि एक देश, एक निशान और सबके लिए एक विधान राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी देगी। आइए सब लोग राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के साथ चलें और अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद।